हेलो गाइस, टुडे हम रिव्यू करेंगे रियलमी का जो X2 प्रो फ़ोन आया है मेरे पास, इसका कैमरा इंटरफेस का। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे कैमरा इंटरफेस पूरा सेम है उसका अदर फ़ोन जैसा, लेकिन इसमें कुछ तो कुछ चेंजेस हुआ है, कुछ एक्स्ट्रा फीचर्स दिया गया है जो कि मैं यहाँ पे डिस्कस करना चाहता हूँ आपके साथ। तो 30,000 का फ़ोन है तो कुछ तो एक्स्ट्रा होना चाहिए जिससे लोग ले सकें ये फ़ोन को। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं यहाँ पे फीचर्स क्या क्या है। रियलमी X3 था मेरे पास पहले, तो मुझे दिखने में पूरा सेम टू सेम लग रहा है। यहाँ पे रियलमी X3 जैसा फीलिंग आ रहा है इसका, जो ये वाइड एंगल का है ये वाला आपको दिखा देते हैं। ये वाइड एंगल हो गया और ये नॉर्मल मोड हो गया। HDR मोड भी है, वाइड एंगल कैमरा से आप वाइड एंगल शॉट ले सकते हैं, जैसे कि ये देख पा रहे हैं। ये ऑफ है, वाइड एंगल ऑफ है, वाइड एंगल ऑन है, तो ये डिफरेंस है। वाइड एंगल स्विच है, ये है आपका क्रोमा बूस्ट, कलरफुल बना देगा आपका सीनरी को। तो ये सारा ऑप्शंस पहले से था। तो चेंजेस क्या है? चेंजेस आपको मिलेगा जब हम जाएंगे वीडियो मोड पे। तो वीडियो मोड पे आप देख सकते हैं, देर इज ए अल्ट्रा स्टीडी ट्यून्ड ऑन, देर इज ए अल्ट्रा स्टेबिलाइजेशन मोड, जो आपका अगर वीडियो शूट करने हैं तो आपका वीडियो अल्ट्रा स्मूथ हो जाएगा। ये आपका EIS है, इसमें OIS तो है नहीं, तो आपको EIS दिया गया है जिससे आप बहुत ही स्मूथ वीडियो निकाल सकते हैं। जैसे कि आप देख पा रहे हैं ऐसे ही बिना रिकॉर्डिंग का स्मूथ लग रहा है, और ये ऑफ कर देंगे तो ये स्मूथ नहीं लग रहा है। तो यही है डिफरेंस अल्ट्रा स्टेबिलाइजेशन मोड में। और एक मोड दिया गया है यहाँ पे ऊपर में, जो बोलता है डेप्थ इफेक्ट। यहाँ पे आप अपना डेप्थ चेंज कर सकते हैं। इसका मतलब ये है कि आप अपना जो बैकग्राउंड है, बैकग्राउंड का ब्लर आप चेंज कर सकते हैं। जैसे कि ये कम कर दिया तो बोके भी थोड़ा सा कम आएंगे, अगर ज़्यादा कर दिया तो ज़्यादा बोके आएंगे। मतलब इसका मतलब ये है कि आप लाइव वीडियो में बैकग्राउंड ब्लर वाला वीडियो ले सकते हैं। जैसे कि आप DSLR में देखते हैं कि आपका अगर कुछ आपका YouTube वीडियो बनाना है तो लाइव वीडियो में इसमें ऑन कर दीजिए डेप्थ मोड को, ये डेप्थ मोड ऑफ कर दिया तो ऐसा आता है, डेप्थ मोड ऑन कर दिया तो ऐसा आता है, थोड़ा सा ज़्यादा ब्लरी आएगा। प्लस आपका जो लाइव वीडियो होगा उसमें आपका जो बैकग्राउंड होगा वो ब्लरी रहेगा। तो यही ये वाला फीचर जो है ये एक्स्ट्रा दिया गया है यहाँ पे, लाइव वीडियो बोके मोड। तो इससे आपका क्या होगा, जो वीडियो का बैकग्राउंड होगा आपका ब्लर हो जाएगा। तो ये एक एक्स्ट्रा फीचर है। तो वीडियो मोड में आपको दो फीचर मिल गया, एक लाइव ये जो बोके मोड का, और ये हो गया आपका अल्ट्रा स्टीडी स्टेबिलाइजेशन। तो दो फीचर आपको एक्स्ट्रा मिले। नेक्स्ट अदर फीचर्स आर सेम। सो अब हम क्या करेंगे, जाएंगे पोर्ट्रेट मोड पे। पोर्ट्रेट मोड पे भी यहाँ पे आपको जो डेप्थ का ब्लर का जो इंटेंसिटी आप कम बढ़ा सकते हैं, कम कर देंगे तो कम ब्लर होगा और ज़्यादा बढ़ा देंगे तो ज़्यादा ब्लर होगा। तो यही डिफरेंस है, ये वाला मोड एक्स्ट्रा दिया गया है। तो ये जो है थर्ड फीचर है जिससे आप अपना डेप्थ चेंज कर सकते हैं, ये एक हो गया। अभी देखते हैं फ्रंट वाले में। फ्रंट वाले में आपको सेम मिलेगा डेप्थ मोड का, बढ़ा सकते हैं घटा सकते हैं, देख सकते हैं आप। ज़्यादा बढ़ा देंगे तो आपका जो एजेस है, देख सकते हैं मेरा हेयर का एजेस, वो सब आपका थोड़ा सा ब्लरी हो जाएगा। तो इसको बेस्ट है, इसको आप 60-70% ही रखिए ताकि बेस्ट रिजल्ट मिलेगा आपको। ज़ीरो कर दीजिएगा तो देख लीजिए इसका बैकग्राउंड में कोई भी ब्लर नहीं है। अभी बढ़ा दिया तो बैकग्राउंड ब्लर आ गया। तो यही है डिफरेंस और यही बेस्ट फीचर है इसी फ़ोन का, कि आपको लाइव आपका वीडियो ब्लरी मिलता है और ऑल्सो फोटो का जो ब्लरनेस आप कम और बढ़ा सकते हैं। अभी चलते हैं फोटो मोड में। फोटो मोड ऑलरेडी देख चुके हैं, इसमें कोई चेंजेस नहीं है, सेम है। इसमें आपका
ब्यूटी मोड कम कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं, उसका कोई डिफरेंस नहीं है। वीडियो मोड में, वीडियो मोड में अगर फ्रंट कैमरा में जाएंगे तो यहाँ पे भी आपको जैसे कि ये ब्लर वाला इफेक्ट आपको मिल सकता है। देख लीजिए, फ्रंट कैमरा में भी ब्लर वाला इफेक्ट कितना मस्त है। अगर आपको यहाँ पे वीडियो ब्लॉग बना रहा है जैसे कि मैं अभी बना रहा हूँ, और प्लस आपको बैकग्राउंड ब्लरी चाहिए तो इसको ब्लर कर लीजिए। आप देख पा रहे हैं कितना अच्छे से आपका बैकग्राउंड ब्लर हो गया और आप आराम से DSLR जैसा इफेक्ट वाला वीडियो बना सकते हैं। तो यही है डिफरेंस जो Realme का पुराने फ़ोन्स थे और ये जो 30,000 का फ्लैगशिप फ़ोन निकला है Realme X2 Pro, तो ये है आपका डिफरेंस। तो होपफुली आपको मज़ा आ रहा होगा यही सब फीचर्स देख के, जो कि बहुत सारे यूट्यूबर्स इसको नेगलेक्ट कर देते हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट फीचर्स है इस फ़ोन में। नेक्स्ट हम जाएंगे अल्ट्रा 64 मेगापिक्सल मोड। तो ये तो पहले से ही था, जैसे कि रियलमी XT में भी था अल्ट्रा 64 मेगापिक्सल मोड, तो ये सेम है। नेक्स्ट है नाइटस्केप मोड, ये भी सेम है। इसमें आपको मिलता है वाइड एंगल व्यू में भी नाइटस्केप शूट करने का मौका मिलता है, और आपको नॉर्मल लेंस से भी नाइट मोड का शूट कर सकते हैं। नेक्स्ट हो गया आपका वीडियो मोड पे, और एक भूल गया मैं, वीडियो मोड पे आपका वाइड एंगल कैमरे से भी आप वीडियो ले सकते हैं। अभी ये वाला फीचर्स भी आ गया जो कि पहले नहीं था, ये आपका अपडेट में आ गया रियलमी XT, रियलमी 5 प्रो, ये सब में आ गया है ये वाला वाइड एंगल कैमरा में वीडियो शूट करने का ऑप्शन। तो ये भी आपका ऑप्शन इसमें अवेलेबल है। नेक्स्ट हम जाते हैं पानोरामा। पानोरामा मोड में आप नॉर्मल है ये पानोरामा कर सकते हैं, जैसे कि कोई भी फ़ोन में कर सकते हैं, कुछ भी खास नहीं है इसमें। स्लो मोशन में आप स्लो मोशन का ले सकते हैं, 240 FPS, 480 FPS, 960 FPS, तो ये तीनों मोड पे आप स्लो मोशन का वीडियो ले सकते हैं। तो ये तो नॉर्मली रियलमी XT में भी था, तो इसमें भी कोई चेंजेस नहीं है। नेक्स्ट हम जाते हैं अल्ट्रा मैक्रो मोड, ये भी सेम एज रियलमी XT जैसा ही है, कोई चेंजेस नहीं है। नेक्स्ट हम चलते हैं एक्सपर्ट मोड में। एक्सपर्ट मोड में थोड़ा सा चेंजेस है, जैसे कि आप देख पा रहे हैं ये मैनुअल आप चेंज कर सकते हैं, जैसे कि अदर फोन रियलमी फ़ोन्स में कर सकते हैं, तो इसमें कोई चेंजेस नहीं है। लेकिन यहाँ पर टॉप में आप जाइए तो यहाँ पे आपको मिलता है लेंस सिलेक्शन करने का, मतलब आपका जो पीछे में जो क्वाड कैमरा है उसको सिलेक्ट करने का मौका मिलता है यहाँ पे। तो ये जो डुअल ट्री वाला या जो है, ये है आपका स्टैंडर्ड लेंस, जैसे कि आप देख पा रहे हैं ऊपर दिखाया। यहाँ ट्रिपल ट्री में क्लिक करेंगे तो आपको वाइड एंगल स्लैश मैक्रो मोड मिल जाता है, मतलब एक्सपर्ट मोड में भी आप कौन सा कैमरा से शूट करना चाहते हैं वो आप सिलेक्ट कर सकते हैं। ये जो पहला ऑप्शन से, इसमें आप 2x जूम का, जो ऑप्टिकल जूम का फ़ोटो ले सकते हैं। तो ये जो आप सिलेक्ट कर पा रहे हैं ये बहुत अच्छा है, ये पहले नहीं था लग रहा है मुझे, XT में तो मैंने नहीं देखा था, पता नहीं अभी आ गया होगा तो पता नहीं। तो ये वाला मोड मैंने अभी जस्ट डिस्कवर किया, ताकि आप ईच कैमरा को अलग से सेपरेटली सिलेक्ट कर पाते हैं, और इसको आप आराम से कोई भी मोड में कैप्चर कर पाएंगे। तो ये एक बहुत अच्छा फीचर है, रेस्ट ऑल अदर मैनुअल मोड्स आर सेम। तो ये हो गया आपका एक्सपर्ट मोड, और बाकी जो जो है टाइम लैप्स मोड, ये सब में कोई चेंजेस नहीं है, ये सब चीज़ें ऑलरेडी अवेलेबल है रियलमी का अदर फ़ोन में। तो ये हो गया आपका रियलमी X2 Pro का जो कैमरा ऐप कंपैरिजन। तो होपफुली आपको ये अच्छा लगा होगा, और कुछ आपको पूछना है तो नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं। मेरा नया दूसरा कैमरा टेस्टिंग वीडियो आ रहा है इसके बाद, तो स्टे ट्यून कीजिएगा, तो उसमें भी बहुत मज़ा आएगा, बहुत सारा सैंपल शॉट्स मैं दूंगा उसके लिए। और थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड आई विल सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।